नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको जेपे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जेपे की जो एप्लीकेशन है वो इंडिया की फर्स्ट लीगलाइज एप्लीकेशन है, जो कि अहमदाबाद से ऑपरेट हो रही है, लीगली है। और इंडिया में काफ़ी यूज़र्स हैं इसके, काफ़ी लीडर्स हैं, मेम्बर्स हैं, जो जेपे के थ्रू ट्रांजेक्शन अपना करते हैं। ठीक है, जो जेपे की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू सभी लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, और जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, बिटकॉइंस वगैरह जो भी है, तो अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो जो जेपे की जो एप्लीकेशन है, अभी आजकल कुछ ब्लॉकचेन में पास्ट में कुछ इशू चल रहे थे, जैसे कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हो रहा था, अनकन्फर्म था, बिकॉज ऑफ हैवी लोड ऑन BTC। काफ़ी कंट्रीज ने इसको लीगलाइज कर दिया है, 11 कंट्रीज ने। तो क्या है कि ब्लॉकचेन का जो सर्वर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ रहा है। काफ़ी लोड पड़ने के कारण जो पर डे ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 700 से 800 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में। और जो इसका इनपुट है वो 25 से 30 बिलियन का है एक दिन का। तो जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो अभी जो ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स हैं वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छा और सेफली एंड सिक्योर बनाने जा रहे हैं। तो आपने अभी सुना होगा सॉफ्ट फोर्क क्या है, हार्ड फोर्क क्या है, BIP क्या है, सेगविट क्या है। अभी कुछ इशू चल रहे हैं जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने के, तो उनके साथ साथ ब्लॉकचेन के साथ साथ जेपे कनेक्टेड है, क्योंकि जेपे आपका INR से BTC में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जेपे यूज़र्स को अभी ध्यान देना होगा कि आप जेपे से ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जेपे यूज़र्स का भी मैं आपको बता रहा हूँ, जेपे यूज़र्स एंड UASF। UASF का जो इशू है वो आजकल जेपे के साथ चल रहा है। UASF का मतलब ये है, यूज़र एक्टिवेटेड सॉफ्ट फोर्क। एक सॉफ्ट फोर्क होता है, एक हार्ड फोर्क होता है। जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें अभी दो इशू चल रहे हैं, मैं सेगविट और BIP उनके बारे में बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको आज सॉफ्ट फोर्क और हार्ड फोर्क का जो इशू है, और वो भी जेपे से कनेक्टेड है और आप इसके यूज़र्स हैं, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो सॉफ्ट फोर्क क्या है, सॉफ्ट फोर्क में, यूज़र एक्टिवेटेड सॉफ्ट फोर्क में क्या है कि बिटकॉइन का जो एक वर्जन है लास्ट में ये बच जाएगा, सॉफ्ट फोर्क बचेगा या हार्ड फोर्क बचेगा। इन दोनों का चेन डिस्प्यूट का कुछ इशू चल रहा है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब चेन स्प्लिट होगी लास्ट में, तो हार्ड फोर्क या सॉफ्ट फोर्क में से अगर आपके पास BTC है, ब्लॉकचेन में है या जेपे में है, 31 जुलाई के बाद आप ट्राई कीजिए कम से कम ट्रांजैक्शन करने की, जेपे के थ्रू या ब्लॉकचेन के थ्रू कहीं भी। आप अपना जो BTC आपके पास, उसको आप रख सकते हैं अपने, या तो ईथेरियम बाई करके रख लीजिए, अल्टकॉइन, डॉग कॉइन, कोई भी करेंसी आप बाई करके रख लीजिए। ब्लॉकचेन और जेपे में आप अपना BTC बहुत ही कम से कम रखिए और सेफ ट्रांजैक्शन करिए, क्योंकि 31 जुलाई या 1 अगस्त के बाद, ये 1 अगस्त से नवंबर तक का कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होनी है और होकर रहेगी, और उसके साथ आपको टचअप में रहना है कि क्या चल रहा है। तो मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि हार्ड फोर्क क्या है। सबसे पहले सॉफ्ट फोर्क है, इसका इशू मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको हार्ड फोर्क के बारे में बताने जा रहा हूं। जो जेपे के जो यूजर्स हैं और जो हार्ड फोर्क है उसके बारे में क्या है कि अभी हार्ड फोर्क की जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन कोर, जैसे बिटकॉइन अनलिमिटेड, ये दो बिटकॉइंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है, हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क की, बिटकॉइन कोर और बिटकॉइन अनलिमिटेड की, इनके बीच में अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम इस पर पहुंचे हैं कि जो भी हम इसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जेपे जो इम्प्रूव करेगा, और जब ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन में ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन करते हैं ये उसी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें जो हम बिटकॉइन को जो ट्रांसफ़र करेंगे बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो जो कंट्रोल प्राइवेट की हैं हमारे बिटकॉइंस की, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी प्राइवेट कीज़ हैं बिटकॉइन की, उसको हम MyCelium, कोपे, ट्रेजर और हार्डवेयर वॉलेट, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेपे इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी दीज ऑफ वॉलेट। और ये जो प्राइवेट कीज़ हैं MyCelium, कोपे और ट्रेजर हार्डवेयर वॉलेट, इसके साथ जेपे का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इस ये जो न्यूज़ दे रखी है इसमें आप पढ़ लीजिए, ये नंबर एक पे जो पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी ये बता रखा है कि 1 अगस्त के बाद ये मैटर अगर रिजोल्व नहीं होता है
तो आपको क्या करना है, बिटकॉइन का कम से कम ट्रांजेक्शन करना है BTC के थ्रू, ठीक है। और जो ज़ेपपे से आप ट्रांजेक्शन करते हो उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, ठीक है। 31 जुलाई के बाद और 1 अगस्त के बाद जब सिचुएशन तब तक ठीक नहीं होगी, जब तक आपको ट्रांजेक्शन अपना कम से कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब ये सिचुएशन 31 जुलाई के बाद ज़ेपपे इसको टेक्निकली एनालिसिस करेगा, इसके साथ कोपअप करेगा, अगर कोपअप नहीं हो पा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपका जो ज़ेपपे वॉलेट है वहाँ से विड्रा भी नहीं होगा और डिपॉजिट भी नहीं होगा, बाइंग और सेलिंग ये चारों चीज़ें हैं ना बिल्कुल कम होंगी। अभी टाइम आएगा धीरे धीरे तो पता लग जाएगा आपको क्या होगा, ठीक है। जितने भी ऑपरेशन है वो सस्पेंड हो जाएंगे आपके, जैसा कि लिख रखा है, जब चेन स्प्लिट होती है तो उसके बाद जो बाइंग सेलिंग ऑपरेशन ऑन जैप पे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है, जब चेन स्प्लिट होगी, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आपका जो BTC है वो हार्ड फोर्क में जा रहा है या सॉफ्ट फोर्क। ये एक प्रकार की चेन है, जो ब्लॉक चेन है वो स्प्लिटिंग चल रहा है, उसका कुछ इश्यू चल रहा है हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क में। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा था कि हार्ड फोर्क के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, तो लास्ट में जो ज़ेपपे है वो दोनों वर्जन को सपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क में से जो वर्जन बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का सेफ होगा, स्टेबल होगा, ज़ेपपे वही यूज़ करेगा फ्यूचर में। और थर्ड चीज़ ये है, बिटकॉइन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जैसा कि 11 कंट्रीज़ में लीगलाइज हो चुका है और इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन हो गए अभी रिसेंटली न्यूज़ सेबी के अंडर होंगे, ठीक है, और उस पर टैक्स लगेगा, और अभी कमेटी ऑलरेडी बैठी हुई है, तो बहुत ही जल्दी आपको बिटकॉइन लीगलाइज की न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके बारे में विचार कीजिए आप, बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सावधानी भी बरतनी है, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सेफ रहने चाहिए, आपका पैसा कहीं फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी ज़ेपपे के यूज़र्स हैं वो सॉफ्ट फोर्क हार्ड फोर्क की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए अपना जो ज़ेपपे का जो ट्रांजेक्शन है, और आप जब ट्रेडिंग करते हैं पोलोनिक्स पर, बिट्रक्स पर, नो एक्सचेंज पर, बिट फाइनेक्स पर, इस तरह की जो पॉपुलर एक्सचेंज है आजकल, इसमें जो रेट डाउन चल रहा है, आजकल रेड डे चल रहा है, लास्ट के एक वीक से 10 दिन के करीब हो गया है, तो और जो BTC का जो प्राइस है वो वही $2200 से $2300 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब का एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ जो ज़ेपपे ब्लॉकचेन बिटकॉइन इसके सॉफ्ट फोर्क का इशू, हार्ड फोर्क का इशू, BIP का इशू, और इसका BIP हो गए, और 3-4 जो इश्यू हैं इसके बिटकॉइन अनलिमिटेड का, ठीक है, और 2 बिटकॉइंस के जो भी आ रहे हैं अभी जोन में, टेक्नोलॉजी जोन में, इन चारों के, और सेगविट BIP हार्ड फोर्क सॉफ्ट फोर्क बिटकॉइन अनलिमिटेड और बिटकॉइन कोर, ये 4-5 चीज़ें हैं जो टेक्निकली ये BTC का इम्प्रूव कर रही हैं, अभी टेक्निकली इसको साउंड बना रही है, ताकि जो ट्रांजेक्शन हो फ्यूचर में सेफ हो, सिक्योर हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो और इनमें से चारों पांचों चीज़ों में से कौन सी चीज़ अच्छी निकल के आएगी, उसके साथ ज़ेपपे कोपअप करेगा, ठीक है। और फिर उसके साथ आपको जो ट्रांजेक्शन, इसके बीच का जो पीरियड है 1 अगस्त से नवंबर के बीच का जो पीरियड इन्होंने दिया गया है, नवंबर तक बोल रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो आपका कोई लॉस ना हो फ्रेंड्स, इसके बारे में ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है आपको ये जानकारी मेरी पसंद आई होगी, और इसके साथ आप जो भी है BTC से रिलेटेड इश्यू है, आप अपना BTC कब बाई करना है, कब सेल करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको BTC कहाँ पे रखना है, INR आपको लेना है या नहीं लेना है, वो सब आपका पर्सनल इश्यू है, वो आप सब सोचिए, आपके पास दिमाग है, आप उसको यूज़ कीजिए। बिटकॉइन है, बिटकॉइन मनी से ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी है, तो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है पहले आप उसको समझिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी न्यूज़ है वो मैं आपको देता रहूँगा, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसको, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।